डिफरसिएशन डिविजन रूल फॉर डिफरेंसिएशन स्टार्ट करने से पहले एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट सीख लेते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है लेटेस सपोज आपके पास एफ ऑफ एक्स एक यहां पर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स को जब आप डिफ्रेंशियट करोगे एफ ऑफ एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे आपको लिखते हो ना डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और इसको आप लिख सकते हो इट इज सिंपली एफ एक्स तो ये तरीका है लिखने का मैं बस दिखा रहा हूं आपको यहां पे कि यहां पर अगर मैं एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करूं मैं उसको सीधे क्या लिख सकता हूं एफ डेरेवेटिव ऑफ एक्स लिख सकता हूं चलो और एक चीज मैं यहां पर दिखाता हूं अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एफ ऑफ एक्स रेज दार टू होगा अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहां पर मैं लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स और मैं डिफरेंशिएट यहां पर एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर कर रहा हूं तो आप यहां पर पावर रूल यूज करोगे ना पावर टू है तो पहले आप पावर टू लिखोगे फिर वापस आप क्या लिखोगे एफ ऑफ एक्स और फिर रेस टू क्या आ दू माइनस वन फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फंक्शन की डिफरेंसिएशन के साथ जिसको आप इंटरनल डिफरेंसिएशन कहते हो तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स से और इसी को मैं लिख सकता हूं ना इट इज इक्वल टू टू आइस देख लो टू माइनस वन कितना होता है वो वन ही होता है आपके पास तो ये आ जाएगा टू आइस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय ये तो अभी देखा ना हमने ये वाला पार्ट अभी हमने देखा कि ये आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एफ डेरेवेटिव ऑफ एक्स से तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एफ डेरेवेटिव ऑफ एक्स अब समझो यहां पे समझो यहां पे जब यहां पर मैंने एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर को यहां पे डिफरेंशिएट किया मैंने पावर रूल यहां पर यूज किया पावर रूल यूज करने के बाद ये इंटरनल डिफरेंशिएशन है मैंने मल्टीप्लाई किससे किया इंटरनल से। या कहने का मतलब ये है कि मैंने पहले लिखा, फिर एफ ऑफ एक्स लिखा और मल्टीप्लाई किया एफ डेरिवेटिव एक्स से एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स यहां रिप्रेजेंट क्या कर रहा है इंटरनल डिफरेंसिएशन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपका यहां पर इंटरनल डिफरेंशिएशन इंटरनल डिफरेंशिएशन यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा अगर आपको मेरे दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे तो हम यहां पर प्रोडक्ट रूल से एग्जैक्टली exactly क्या निकालने वाले हैं डिविजन रूल तो आप देखते जाओ लेट अस सपोज मैं यहां पर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स ले रहा हूं तो मैं तो एक्जैक्टली exactly इसको भी रब करने वाला हूं बट फिलहाल के लिए पहले आप एग्जैक्टली इनको पेन डाउन कर लो कि जब भी आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है इसको आप क्या लिख सकते हो एफ डेरिवेटिव तरीका है लिखने का और कुछ भी नहीं और फर्दर यहां पर अगर आप देखोगे मैंने पावर डाउन यहां पे किया एफ ऑफ एक्स फिर इंटरनल का आपको टेक केयर करना होता है बस ये दो पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए तो यहां पर रिजल्ट में आपको कहीं पर कंफ्यूजन नहीं होगा तो फिलहाल के लिए मैंने वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स लिया यहां पर एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है साइन x cos x x2 2x plus 3 कुछ भी हो सकता है वैसे ही g(x) आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है g(x) आपका sin x cos x tan x कुछ भी हो सकता है तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा अब इस वाले पार्ट को हमें क्या करना है अब हमें y को डिफरेंशिएट करना है या कहने का मतलब हमें इस पार्ट को क्या करना है डिफरेंशिएट करना है तो आप देखते जाओ पहले मैं इसको रब करता हूं तो ठीक है अब आप आराम से देख लो अब मुझे इस पार्ट को डिफरेंशिएट करना है तो मैं यहां पर डिफरेंशिएट y को तो करूंगा ये सारा आपका एक फंक्शन है ये रादर आपका रैशनल फंक्शन है और आप देख सकते हो कि किस वेरिएबल पे ये सारा फंक्शन डिपेंड कर रहा है x पे तो मैं y को डिफरेंशिएट तो करूंगा बट विद रिस्पेक्ट टू तो x और आप इसको लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ अब समझो एफ ऑफ एक्स तो अपनी जगह पर है तो मैं एफ ऑफ एक्स अपनी जगह पर रख रहा हूं मल्टीप्लाइड बाई जियस को न्यूमरेटर में ले सकते हो ना आप तो मैं लिख सकता हूं इसको जी ऑफ एक्स मगर रेस तो दे पार मुझे यहाँ पर माइनस वन लेना पड़ेगा तो अभी तक आपको डाउट नहीं होगा कहीं पे अब आप यूज क्या कर सकते हो प्रोडक्ट रूल अगेन अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है प्रोडक्ट रूल पे आपको प्रोडक्ट रूल का नॉलेज नहीं है पहले आप प्रीवियस वीडियो चेक कर लो मैं यहां पर सीधे डायरेक्टली रिजल्ट यूज करने वाला हूं प्रोडक्ट रूल के हिसाब से पहले वाले फंक्शन को आप वहीं पर रखो एफ ऑफ एक्स आपके पास है ना तो मैं पहले वापस क्या लिखने वाला हूं एफ ऑफ एक्स लिखने वाला हूं तो देख लो पहले वाले फंक्शन को मैंने वहीं पर रखा मैंने एफ ऑफ एक्स वापस लिख लिया दूसरे फंक्शन की क्या करोगे आप डिफ्रेंसियशन तो मैं मल्टीप्लाई इसको यहां पर कर रहा हूं डी बाई डी दी दी एक्स डी बाईडीएक्स ये आपके पास जी ऑफ एक्स रेस्ट दाइनस वन है तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा तो आप देख सकते हो पहले फंक्शन को मैंने वहीं पे रखा दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया अब यहां पर प्लस में लिखने वाला हूं अब जिस फंक्शन को वहीं पे रखा था उसका क्या करोगे डिफरेंशिएशन तो मैं यहां पे डी बाई डी एक्स अब एफ ऑफ एक्स को करने वाला हूं डिफ्रेंशिएट अब एफ ऑफ एक्स को करने वाला हूं और जिस फंक्शन का आपने इससे पहले डिफ्रेंसिएशन किया उसको वहीं पे वापस लिख दो दैट मीन आप जी ऑफ एक्स रेस टू दार माइनस वन को वापस यहां पे लिख दोगे तो आपके पास यहां पर जी ऑफ एक्स रेस टू दार माइनस वन अपनी जगह पे रहेगा तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा अब जरा देख लो एफ ऑफ एक्स अपनी जगह पर है एफ ऑफ एक्स को मैं अपनी जगह पे लिख रहा हूं मल्टीप्लाइड जरा पर देख लो आपके पास पावर माइनस वन है ना तो चलो पावर पहले माइनस वन डाउन कर दो देख लो पावर मैंने यहां पर क्या कर दिया मैंने पावर डाउन किया फिर उसके बाद आप क्या लिख दोगे जी ऑफ एक्स रेज टू दाइनस वन तो पावर है ही इस पावर को फर्दर माइनस वन कर दोगे

प्लस यहां पर क्योंकि ये सारा पार्ट जो हमारे पास है ये तो यहां से हमें मिला अब दूसरे वाले पार्ट पे आ जाते हैं जो आपका एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है मैं उसको कह सकता हूं ना इट इज सिंपली एफ डेरेवेटिव ऑफ एक्स ये सिंपली आपके पास यहां पर एफ डेरेवेटिव ऑफ एक्स है मल्टीप्लाइड बाय ये आपका जी ऑफ एक्स रेस्ट दाइनस वन है तो आप देख सकते हो कि यहां पर एग्जैक्टली exactly हमने सिंपली इस वाले पार्ट को यहां पर मॉडिफाई किया आप देख सकते हो इसका जो है पहले माइनस वन नीचे फिर G X G X. Further, अगर मैं बात करूं तो यहां पर एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएफ डेरेवेटिव एक्स जी ऑफ एक्स रेस्ट पावर माइनस वन वहीं पर रह रहा है तो होपफुल अभी तक कहीं पर डाउट नहीं होगा चलो कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको आपके पास अगर मैं बात करूं ये माइनस है ना पहले इस माइनस की वजह से ये सारा टर्म क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा मगर ये टर्म पॉजिटिव है ना तो चलो पॉजिटिव टर्म पहले लिखता हूं और नेगेटिव टर्म बाद में लिखता हूं देख लो क्या बन जाएगा दैट मींस आपके पास जो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स है जरा देख लो किसके बराबर आएगा पहले मैं लिख रहा हूं एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स पहले मैं क्या लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ ऑफ ये टू है मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना डिवाइडेड ऑफ देख लो मुश्किल कुछ भी नहीं है मैंने बस इसका रेसिप्रोकल ले लिया क्योंकि रेस पार क्या था माइनस वन था अगर रेस पार माइनस टू होता मैं रेसिप्रोकल लेता और रेस टू दि पार टू लिख देता बस ये चीज है ना आपके पास तो ये वाला टर्म आपके पास आ गया चलो ये वाला टर्म अब लिखते हैं पहले नेगेटिव से स्टार्ट करना पड़ेगा ना तो देख लो मैं नेगेटिव से स्टार्ट करता हूं मैं लिख रहा हूं पहले यहां पे माइनस अब जरा देख लो एफ ऑफ एक्स अपनी जगह पर है तो देख लो मैं F of x यहां पर अपनी जगह पर रख रहा हूं मैं एग्जैक्टली exactly यहां पर एफ ऑफ एक्स को क्या रख रहा हूं मैं इसको अपनी जगह पर रख रहा हूं फर्दर देख लो यहां पर जी ऑफ एक्स रेस पार माइनस टू है जी ऑफ एक्स the पार minus टू का जब रेसिप्रोकल लोगे तो कहने का मतलब है कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाय g of x होल स्क्वायर से

तो होपफुली आप एग्जैक्टली exactly कैच कर रहे होंगे हर एक स्टेप को किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा कहीं पे डाउट होगा ना आपको प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए तो फर्दर देख लो यहां पे फर्दर देख लो यहाँ पर अब यहां पर आपके पास ऑफ एक्स स्क्वायर है सिर्फ जी ऑफ एक्स है अगर मैं इसको भी स्क्वायर यहां पर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे डिनोमिनेटर में भी G of X से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में भी जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो चलो करते हैं मैं इसको लिख रहा हूं इट इज इक्वल टू देख इक्वलो एफ अपनी जगह पर रख रहा हूं मैं न्यूमरेटर exactly को अब G of X से मल्टीप्लाई करने वाला हूं तो डिनोमिनेटर में आपके पास जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर अब आ जाएगा आप चेक कर लो आपके डिनोमिनेटर में आप क्या आ जाएगा जी ऑफ एक्स का होल जाएगा फर्दर अगर मैं बात करूं तो माइनस आप देख लो एफ ऑफ एक्स अपनी जगह पर है यहां पर आपका जी ऑफ़ एक्स अपनी जगह पर है और होल डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है आपके पास जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अब आपको नहीं लग रहा कि आप एग्जैक्टली exactly कॉमन ले सकते हो डिनोमिनेटर को यहां पर कॉमन ले सकते हो ना तो देख लो मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ मैं इसको लिख रहा हूँ इट इज इक्वल टू जो आपके पास जी ऑफ एक्स है यहाँ पे मैं उसके स्क्वायर को दैट मींस जी ऑफ एक्स रेज टू द दार टू को मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉमन ले रहा हूँ तो न्यूमिनेटर में क्या आपके पास आ जाएगा एफ डेरेवेटिव ऑफ एक्स इन ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इन ऑफ एक्स अब आपको ये बोला जाता है कि ये याद रखो आप मैं आप देख सकते हो मैंने तो डिराइव किया इसको मैंने एग्जैक्टली exactly इसको डिराइव किया कुछ नई प्रोडक्ट रूल का मॉडिफिकेशन आपका डिवीजन रूल होता है तो आप जैसे देख सकते हो कि मैंने डिराइव किया एग्जैक्टली exactly आपके रिजल्ट को यहां पे तो अब आपको यही बोला जाता है याद रखो तो याद रखना क्या है आपको आपको एग्जैक्टली exactly यहां पर एफ ऑफ एक्स एक्स का स्टाइल देखकर है ना न्यूमरेटर में जो फंक्शन है पहले उसको डिफरेंशियट करो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है याद रखो जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं इसको याद रखो मेमोराइज करने की कोशिश करो जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसको डिफरेंशियट करो कर दिया स्टेप uh, क्या याद रखोगे जो आपके पास एग्जैक्टली exactly न्यूमरेटर में फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को बचा कर रखो फिर माइनस मतलब यहां पर आप गलती नहीं कर सकते हो गलती इन सेंस में ये बोल रहा हूं आप पहले जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो आपको जरूरी है कि पहले न्यूमरेटर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना क्योंकि माइनस है ना यहां यहां पे तो तो अगर यहाँ प्लस होता फिर तो आपको अपनी मर्जी थी बट यहां यहां माइनस यहाँ पर आ रहा है तो पहले आपको न्यूमरेटर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर के फंक्शन को वहीं पर प्रिजर्व करके रखना है फिर आपको नेगेटिव लिखना है नेगेटिव जब आप लिखोगे फिर इसका उल्टा हो जाएगा आपको डिनोमिनेटर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर के फंक्शन को एस सच वापस लिख देना है होल डिवाइडेड बाई आपको डिनोमिनेटर के फंक्शन का क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर लेना पड़ेगा तो आप देख सकते थोड़ा सा थोड़ा समझो यहां पर जो आपके न्यूमरेटर का फंक्शन है स्टार्ट करोगी इसकी डिफरेंशिएशन के साथ तो ये होगा ना एक बार अगर आपको याद रहेगा कि हमें स्टार्ट करना होता है न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन के साथ तो आपको तो ऑटोमेटिकली पता है आप पहले डेरिवेटिव ऑफ एक्स लिख दोगे फिर ऑटोमेटिकली जब आपने डेरिवेटिव ऑफ एक्स लिख दिया दूसरे का तो डिफरेंशिएशन करोगे नहीं तो दूसरे का एक्सैक्टली exactly, दूसरा फंक्शन सीधे यहां पर दोगे जब आपको पहला टर्म पता चल गया तो आप माइनस यहां पर लगाओगे और दूसरा टर्म कैसे जनरेट करोगे इसका रिवर्स पहले इसका एक्जैक्टली exactly डिफरेंशिएशन लोगे जी ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं लोगे इसका Such, ऐसे ही रखोगे, फिर होल डिवाइड किसे करोगे डिनोमिनेटर के जो भी चलो इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जैसे कि मैं डिवीजन रूल की बात कर रहा था मैं करता हूं। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंशिएट बोला जाएगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स कर लो तो आपको एग्जैक्टली exactly ये बोल, बोला जा रहा है कि आप इसको डिफरेंशिएट करो जैसे कि मैंने अभी कहा आपको न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट करो तो स्टार्ट करोगे आप एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स से फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे जी ऑफ एक्स से तो आपने ये टर्म पहला लिख दिया ना तो अब आप माइनस करो अब देख लो जिसको नहीं किया था उसका ले लो तो ऑफ ले लिया जिसको डिफरेंशियट किया था उसका एग्जैक्टली ओरिजिनल फंक्शन ले लो डिफ्रेंसिएशन के साथ नहीं लेना है आपको तो यहां पर आपका एफ ऑफ एक्स आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय यहां डिनोमिनेटर जी ऑफ एक्स है ना तो यहां पर भी डिनोमिनेटर जी ऑफ एक्स ही लिख दोगे मगर उसका क्या करना पड़ेगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा मैं सिंपली एक से दो एग्जाम्पल्स यहां पर लेने वाला हूं जो दूसरा एग्जाम्पल होगा या अगर तीन एग्जाम्पल्स ले ली जो तीसरा एग्जाम्पल होगा वो एग्जैक्टली exactly आपके फिजिक्स में बार बार आ जाता है डिफरेंट चैप्टर्स में आ जाता है तो अगेन आप यहां पर डिफरेंट चैप्टर्स के आ, डेरेवेशन वाले पार्ट सीख रहे हो मतलब डेरिवेशन में एग्जैक्टली exactly क्या होता है कि आपको उस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है तो एग्जैक्टली exactly यहां पर जो मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा वो आपके फिजिक्स में यूज होती है हाँ पहली एक दो एग्जाम्पल तो बस समझने के लिए बट जो तीसरी या लास्ट एग्जाम्पल जो मैं दिखाऊंगा वो आपके फिजिक्स में बहुत यूज होती रहती है तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं लेट लेटर सपोज मैं यहां पर आपके पास साइन एक्स बास ले रहा हूं मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसको डिफरेंशिएट करो तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाय एक्स तो ये मेरा पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहां पर अब करना क्या है आपको जो भी आपके न्यूमरेटर में टर्म है उसका डिफरेंशिएशन लिख दो अच्छा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू पहले डिफरेंशिएट किसको करना है आपको न्यूमरेटर को तो डीवाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दो तो मल्टीप्लाइड बाय एक्स हो गया अब माइनस यहां पर जो आपके पास एग्जैक्टली exactly फंक्शन जिसको आपने डिफरेंशिएट किया ना अब उसको डिफरेंशिएट नहीं करना उसको एज सच यहां पर वापस लिख दो तो मैं साइन एक्स वापस लिख रहा हूं और जिस फंक्शन को अभी आपने बचा के रखा था पहले जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किया था उसका डिफरेंशिएशन कर लो तो मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा अच्छा होल डिवाइड किससे हो जाएगा होल डिवाइड जो भी डिनोमिनेटर है ना उसको क्या करना है स्क्वायर कर देना है तो डिवाइड आ जाएगा स्क्वायर से अब जरा फर्दर देख लो डिशन ऑफ साइन क्या होता है वो कॉस आपके पास होता है अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और एक्स यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स यहां मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस साइन एक्स अपनी जगह पे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके बराबर वन के बराबर होता है तो मल्टीप्लाई वन से कर दो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एक्स आप इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू नक्स टाइम्स कॉस ऑफ एक्स फिर माइनस आपके पास साइन एक्स डिवाइड किससे हो जाएगा एक्स से ये आपका आंसर आ जाएगा आप देख लो कितना आसान था ये एग्जाम्पल चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं मैं यहां पे फॉर एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूं कि आप डिफ्रेंशियट करो डी बाई डी एक्स लॉन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो करना क्या आपको पहले न्यूमरेटर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स देख लो न्यूमरेटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को एस एच वहीं पर रखो फिर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और एग्जैक्टली exactly जो न्यूमरेटर का फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई करो क्योंकि उसको आपने पहले डिफ्रेंशिएट कर दिया होल डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका क्या कर दोगे आप स्क्वायर कर दोगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉन एक्स इसके बराबर होता है वन बाई एक्स मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा एक्स से माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स

कॉन्फिडेंस होगा ना कि स्टार्ट कैसे करना है एंड आप आराम से खुद से सही से कर लोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन यहीं पे होता है अच्छा पहले को को करना था कि डिनोमिनेटर उसी के साथ सारा क्वेश्चन क्या हो हो जाता जाता है है वो गलत हो जाता है। तो पूरा क्लियर रखो पूरा क्लियर रखो कि पहले आपको न्यूमिनेटर को डिफ्रेंशियट करना होता है बाकी का स्टेटमेंट तो आपसे फिर खुद बन जाएगा पहले किसको डिफ्रेंशिएट करना है न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर वाले फंक्शन को पहले आपको डिफ्रेंशिएट करना है चलो और एक एग्जाम्पल मैं यहां पर लेता हूं चलो और एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं मैं आपको बोल रहा हूं डिफ्रेंशियट साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स अब आप सोच सकते हो ये कुछ नहीं है ये तो आपका डिफरेंशिएट टेन एक्स है टेन एक्स का डिफरेंशिएशन तो पढ़ा होता है हमने डायरेक्टली टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास सीकेंड कैर एक्स होता है ये तो पढ़ा है आपने चलो हम यहां पर एक्सैक्टली exactly यही रूल यूज करते हैं और आंसर निकालते हैं और हमारा आंसर फिर किससे मैच करना चाहिए सीकेंड एक्स से मैच करना चाहिए तो करना क्या है आपको आपको एक्सैक्टली exactly पहले न्यूमरेटर वाले फंक्शन को करना है एक स्टेप आगे चले तो दैट मीन कहने का मतलब यहां पर आप मैं डी वाई डी एक्स नहीं लिखूंगा डायरेक्ट यहां पर लिख देते हैं पहले न्यूमरेटर का क्या लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स तो देख लो मैं यहां पर कॉस एक्स लिख रहा हूं अच्छा जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको एस एच लिखना है ना तो आप यहां पर कॉस एक्स वापस लिख दो

वन बाई कॉस्ट क्या होता है सीकेंट होता है ना तो वन बाई कॉस्ट स्क्स किसके बराबर होगा Sex square x. तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इवन दो दो स्टेप्स में ही डिराइव डिराइव हो गया एबिनिशो से भी भी किया था रिजल्ट भी आपको याद होता है बट आप देख सकते हो कि किस तरीके से डिफरेंसिएशन आपको करना है यहां पे लास्ट एग्जांपल मैं लेने वाला हूं लास्ट एक दो एग्जांपल्स और मैं लेने वाला हूं और फिर वीडियो को कंक्लूड करेंगे तो कंटिन्यू मैं करता हूं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ लेटर uh, सपोज मैं यहां पर आपको बोल रहा हूँ कि आप डिफरेंशिएट चलो एग्जाम्पल फोर की बात हो रही है एग्जाम्पल फोर की मैं बात कर रहा हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ डिफरेंशिएट तो डी बाई डी एक्स अब देख लो न्यूमरेटर में मैं साइन एक्स लिख रहा हूँ

डिवाइडेड बाय यहां पर आपके पास ई रेज पार एक्स मल्टीप्लाइड बाय बाईज पार एक्स यहां पर है आप देख सकते हो कि ई रेज पार एक्स इेज पार एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल और आपके पास यहां पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज पार एक्स आ जाएगा तो यह आपके पास यहां पर आंसर है तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा चलो लास्ट एग्जाम्पल जो मैं लेने वाला हूं ये एग्जाम्पल आपको फिजिक्स में बहुत जगह पे मिलेगी तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं आप देखते जाओ लेट अस सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कि आप डिफरेंशिएट करो डी बाई डी एक्स मैं यहां पर लिख रहा हूं x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्र प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपके पास एग्जाम्पल फाइव है ये आपका एग्जाम्पल फाइव में ले रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि यहां पर आपके पास जो आर है इज कॉन्स्टेंट आपका आर यहां पर सिंपली कॉन्स्टेंट है आपका आर यहां पर कॉन्स्टेंट है तो कंटिन्यू करता हूं आप देख सकते हो यहां पे कि जो भी न्यूमरेटर में आपका फंक्शन है उसको पहले डिफ्रेंशिएट करो जरा एक्स का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू तो एक्स क्या होता है वो वन के बराबर होता है तो पहले मैं वन लिख रहा हूं मल्टीप्लाइड बाई जो भी डिनोमिनेटर है वो आपको एज सच वापस लिख देना है तो आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आप वापस लिख दोगे यहां से इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है तो अभी तो पहला हो गया अब आपको माइनस लेना पड़ेगा माइनस अब आपको डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को वहीं पर रखना है न्यूमरेटर क्या एक्स है ना आपके पास तो देख लो न्यूमरेटर को वहीं पर रख दिया डिनोमिनेटर को अब आपको डिफरेंशियट करना है मैं बोल रहा हूं डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना है डिनोमिनेटर है ना रूट एक्स के स्टाइल में या मैं बोल सकता हूं ज्यादा अच्छे तरीके से डिनोमिनेटर है ना रूट एफ ऑफ एक्स के स्टाइल में रूट एफ ऑफ एक्स का अगर आप डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू तो एक्स लोगे वो होता है ना वन बाई टू आइस अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स अगेन अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं आप उनको वॉच कर लो आप उनको वॉच कर लो और सीखो वहां पर यह चीजें और फिर आपको समझ में आएगा मैं ऐसे लिख क्यों रहा हूं यहां पर तो अगर आपके पास डिफ्रेंसिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स है आप सीधे वन बाई टू आइस अंडर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स लिख दोगे और इस फंक्शन को फिर इंटरनल इसका इंटरनल डिफ्रेंसिएशन से मल्टीप्लाई करोगे तो आप

और डिफरेंशिएट आपको करना है इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन से सॉरी मल्टीप्लाई आपको करना है इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन से सो so आप यहां पे आर स्कस एक्स डिवाइड करोगे थ्रू आउट किससे डिवाइड करोगे वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना जो आपका डिनोमिनेटर है जो आपका डिनोमिनेटर है उसके स्क्वायर कर लो और फिर वही एग्जैक्टली exactly टर्म आप यहां पर लिख दो तो अगर आप इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्र प्लस एक्स स्क् होपफुली अभी तक कहीं पर डाउट नहीं होगा अब जरा फर्दर देख लो मैं इसको लिख सकता हूं ना अंडर रूट ऑफ आर स्क्र प्लस एक्स बस फॉलो करते जाओ माइनस ये आपके पास एक्स अपनी जगह पर है डिवाइडेड बाय आपका अंडर रूट ऑफ अब जरा मल्टीप्लाई देख लो मैं किससे कर रहा हूं यहां पर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो आर स्क्र को आर इज अस्टेंट आर स्क्र विल बी अ कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ आर ऑफ कांस्टेंट इट इज जीरो बट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सक्र किसके बराबर होता है टू आइस एक्स अगेन आप वीडियोस को फॉलो करो ना तब जाके आप भी डायरेक्टली बोल पाओगे कि डिफरेंसेशन ऑफ एक्स स्क् टू एक्स जो पहले ये वीडियो देख रहा होगा अभी डिफ्रेंसेशन का नॉलेज नहीं होगा उसको तो सिर के ऊपर से चला जाएगा कि मैंने डिफरेंसेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे बोल दिया टू एक्स तो इसलिए प्रीवियस वीडियोस देख लो फिर आप एक्जैक्टली exactly इस वीडियो को कंटिन्यू करो अगर आप पहली बार डिफ्रेंशियन सीख रहे हो अगर आपको डिफ्रेंसेशन पता है तो आप तो डायरेक्टली बोल दोगे कि कॉन्स्टेंट का डिफरेंसेशन जीरो स्क्वायर का डिफरेंशिएन कितना लिख दोगे आप टू एक्स लिख दोगे और होल डिवाइड किससे हो रहा है यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क् देख लो आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हो बट आप इसको थोड़ा और भी आगे ले सकते हो आपकी मर्जी है देख लो मैं क्या करने वाला हूं मैं एग्जैक्टली exactly यहां पर इन दोनों टर्म्स का यहाँ पे एलसीय लेने वाला कहने का मतलब ये है मैं सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यह आपके पास आ जाएगा देख लो पहले टू लिखना पड़ेगा फिर आपके पास ये अंडर रूट प्लस एक्स स्क्र है ये भी अंडर रूट आर स्क्वा प्लस एक्स स्क्र है तो होल स्क्वायर आ जाएगा तो आप इसको लिख दोगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्र तो जब आप अंडर रूट आर स्क्र प्लस एक्स मल्टीप्लाई करोगे रूट आर स्क्र प्लस एक्स स्वायर तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा फिर माइनस यहां पर एक्स इंटू एक्स आपका ट्वाइस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये वाला पार्ट अब आपके डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो टूवाइस अंडर रूट ऑफ आपके पास या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो टू और टू क्या हो जाएगा सीधे कैंसिल हो जाएगा ऐसे भी तो आप बोल सकते हो चलो इसे तो और ज़्यादा सिंपल हमारे पास हो जाएगा ये तो और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा आप देख लो टू और टू मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया अब आपको बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास किसके बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्र अपनी जगह पर जब आप इसी को मल्टीप्लाई इससे करोगे तो इसका क्या लेना पड़ेगा होल स्क्वायर लेना पड़ेगा फिर माइनस अपनी जगह पर ये माइनस अपनी जगह पर एक्स इंटू एक्स कितना आएगा एक्स स्क्र फिर इस वाले पार्ट को आप डिनोमिनेटर के साथ क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ R x into r x कहीं पे नहीं होगा. आप देख सकते ये ये हो ये स्क्वायर और फिर माइनस आपका एक्स जाएगा होल डिवाइडेड बाय अब ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग यहां पर मैं, मैं यहां पर दिखाता हूं पर दिखाता हूं ये आपका अंडर रूट आर स्कैर है मैं लिख सकता हूं इसको आर स्कैर प्लस एक्स स्क् का मतलब यही होता है ना मल्टीप्लाई किससे हो रहा है आर स्क्र प्लस एक्स से, मल्टीप्लाई हो रहा है आर स्क्र प्लस एक्स स्क् रेस पारन लिख सकते हैं ना बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड ये बन जाएगा आर स्क प्लस एक्स स्क् होल रेज टू दर थ्री बाई टू तो सिंपल है ना तो आप बोल सकते हो कि आपका न्यूमरेटर जो है ये स्क्वायर और अंडरुड न्यूमरेटर में आ गया मॉडिफाई करोगे वो आपके पास यहां पर आ जाएगा कुछ क्या आपका एक्स स्क्सर कैंसिल होगा तो आप बोल सकते हो कि आर स्क्र डिवाइडेड बाई आर स्कैर प्लस एक्स आपका आंसर है और ये जो प्रॉब्लम है मैं सिंपली इसको यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखता हूं क्योंकि ये आपको एच सी वर्मा वगैरह जो बुक्स होती है ना वहां पर आप देखोगे कि यहां पर इस स्टाइल का डिफरेंसिएशन इस स्टाइल का एग्जाम्पल जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा तो हां ये तो एग्जाम्पल्स हम समझाने के लिए दिखाते हैं ये एग्जाम्पल जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये तो समझाने के लिए ये सारी एग्जाम्पल्स बट हां फिजिक्स में एग्जैक्टली exactly, फिर जब डिवीज़न रूल अप्लाई करना होता है वो इस स्टाइल की एग्जाम्पल पे अप्लाई करना होता है तो आज के लिए एग्जैक्टली exactly इतना काफी रहेगा डिवीज़न रूल मैंने यहाँ पे पहले आपको डिराइव करके दिया पहले डिराइव करके दिया और उसके बाद मैंने फिर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए चार से पांच एग्जाम्पल्स हमने की आज तो अगर आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से फॉलो करोगे डिविजन रूल में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगी आपका डिफरेंसिएशन एक हिसाब से यहीं पे खत्म होता है बट कुछ और इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन में इंट्रोड्यूस करने वाला हूं एक आपके पास पार्शल डिफ्रेंसिएशन होता है दूसरा इंप्लिसिट डिफ्रेंसिएशन होता है और अगेन uh, मैं सक्सेसिव डिफ्रेंसियशन के बारे में भी बात करने वाला हूँ तो ये तीन डिफ्रेंसिएशन नेक्स्ट वीडियो में मैं होपफुली अपलोड कर दूंगा uh, बाकी आपका जो डिफ्रेंसीशन है जो ना नीट स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक डिफरेंशिएशन जो होता है वो तो मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया बस एक लास्ट एक वीडियो रहता है और उसके बाद हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे बट आज के लिए इतना काफी टेक केयर